तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय ट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं MMTC के बारे में और इसका जानेंगे शेयर प्राइस नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, मैं जीरोधा के चार्ट पे भी अभी हूँ और इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा और इसका क्या सेल हुआ है आज के दिन, ठीक है। NSE के साइड पर BSE के साइड पर और देखिए सेंसेक्स कुछ दिनों से डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और कल ये थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला तेज़ी और ये आज थोड़ा सुबह मॉर्निंग में इसमें तेज़ी देखने को मिला सेंसेक्स में और फिर इसमें डाउनफॉल थोड़ा स्टार्ट हुआ है 200 पॉइंट आसपास, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका, पहले देख लो इसका टारगेट प्राइस 64.93 हाइस्ट गया था अभी करेंटली, ठीक है। ये 1 ईयर का डाटा है और यहाँ पे ये देखिए 163 पिछला है हमारा था आपका 20 जून में, ठीक है। ये 63 और ये आज ये 65 गया था आपका, ये डेट आपका है 31st 2021, मतलब जनवरी 31st को ये गया था 64 और यहाँ से इसमें देखिए डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और ये चला गया, गिरते गिरते ये गया था आपका 46। देखिए मैं एक लाइन पहले ड्रॉ किया था आपका, 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। देखिए कंपनी का जो शेयर है इस लेवल से ये तेज़ी देखने को मिला और कुछ दिन देख यहाँ पे टॉच करके देखिए ये लाइन, देखिए इस लाइन में ऊपर नीचे हो रहा था, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए ये तोड़ दिया ये वाला लाइन और ये चला गया था 64, यहाँ से फिर थोड़ा डाउनफॉल हो गया और ये नीचे आके गिरा, ठीक है ना। तो अभी देखिए इसका जो टारगेट रहेगा, देखिए ये आपका सपोर्ट जोन, देखिए यहाँ पे सपोर्ट जोन ये क्रिएट हो रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए देखिए शेयर यहाँ से भागा था, ठीक है। मैं ये आपको दिखाता हूँ ये कितना जाएगा, देखिए देखिए कंपनी का शेयर ये लेवल पे घूम रहा था, ठीक है। मैं आपको दिखा चुका हूँ, देखिए ऐसे ही जा रहा है ऊपर नीचे, जब ये लाइन टॉच कर रहा है तो फिर ऊपर की ओर बैक कर रहा है और देखिए यहाँ पे चला गया, फिर देखिए 65 चल के ये यहाँ ये लाइन नीचे की ओर ब्रेक किया और नीचे गिर के ये फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखिए अभी ये वापस बैक कर रहा है, अब ये लाइन तोड़ दिया तो इसका नेक्स्ट टारगेट अगर जाएगा तो आपका 60, ठीक है, और 60 तोड़ेगा तो 65 और उसके बाद देखते हैं कितना जाएगा। पहले आपको पहला टारगेट है 60, अभी इसको ये अभी तोड़ने वाला है, ठीक है। अगर ये ऐसा ही रैली पकड़ेगा तो उसके बाद 65, तो देख लो अभी होल्ड करके अभी रख सकते हो, ये धीरे धीरे आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है। देखिए मैं NSE के साइड पे हूँ, MMTC 51.25 और 2.85 रुपीस तेज़ी और 5.89% तेज़ी। फेस वैल्यू देखिए 1 रुपीज है, ट्रेड वॉल्यूम देखिए 96,992,193, वैल्यू निकल के आ रहा है 4,936, मार्केट कैप है 768 और 52 हाई है 46 और लो है 27। यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 96,92,193 हुआ था टोटल और यहाँ से 15,51,990 हुआ है इसका डिलीवरी क्वांटिटी उठाया, जो कि 16% है इसका। यहाँ पे देखिए मॉर्निंग कंट्रोल के साइड पे ये आपका 49 आसपास ओपन होके ये चला गया था 52-53 आसपास चला गया, ठीक है। आज के दिन 51.25 क्लोजिंग दिया है और 2.85 और 5.89% आपको ऑफ देखने को मिला है आज। यहाँ का डाटा देखिए डाटा, ठीक है, 48.65, 52.50, 64.70 और 27.20, यहाँ पे 51.20 ये तेजी में आ रहा है, 2.80 और 5.79%। यहाँ पे ट्रेड वॉल्यूम देखिए R1 दिखा रहा है 51.83 और टू
50.27 और वन दिखा रहा है 49.33, एस वन दिखा रहे 46.83, एस टू 45.27, ये 44.33। यहाँ पे देखिए 100% बाय दिखा रहा है, 0% सेल है, 0% होल्ड है, 100% इसमें बाय है। कंपनी का डिविडेंड देखिए अच्छा खासा डिविडेंड भी आ रहा है, 0.30, 0.20, 0.30, 0.30, 0.25 यहाँ पे सितंबर 19 से 18, 17 और 16, 15 सब हर साल ये दे रहा है डिविडेंड। यहाँ पे देखिए कंपनी का रेवेन्यू 17 से लेके 2021 तक ये 11,708 दिया है, फिर 16,450, 28,779 और ये 24,134 जबरदस्त रेवेन्यू आ रहा है। देखिए 19 में, फिर देखिए 20 में, फिर देखिए 2021 में 26,381 रेवेन्यू, बहुत अच्छा आ रहा है रेवेन्यू इसमें। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 89.93 प्रमोटर है, उधर से 0.01 और इसका जो 7.24% आपका DIS और FIS है 0.01%। यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड अब इंक्रीज होल्डिंग देखिए 0.012-0.04% का भी दिसंबर 2021 में लास्ट दिसंबर को हुआ है। MF स्कीम देखिए यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है 3-5 इन दिसंबर 2021 में। MF स्कीम भी इंक्रीज यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है देखिए ये 1 या 2। कंपनी के बारे में तो आप जानते हैं, कंपनी देखिए मिश्री वॉज द एस्टेब्लिश 1963 का कंपनी है, वन ऑफ द हाइस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉर इंडिया, इज द लीडिंग इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी विद द टर्नओवर अराउंड द डॉलर $ $10 billion, इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया एंड द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू बी अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ 5-star एक्सपोर्ट हाउसेस। तो देख लीजिए कंपनी के बारे में, तो कंपनी का बिजनेस भी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स रखता हूँ भाई, हम लोग